इलाका आप उनका, कानून आप उनका, काट डालेगा। तो और भाई कैसे हो आप, देख रहे हो टूब्रो गेमर्स। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वन टैप प्लस सेटअप ग्लू वॉल कैसे फास्ट लगाए। एनीवे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो यहां पे आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा ग्लू वॉल फास्ट लगाना, जो कि आपको पहले मैं सिखाऊंगा। देन उसके बाद आपको हेडशॉट मारना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कस्टम हब में चेंजेस करवा देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर आप ऐसे कर लेते हो और आपका हाथ इस पर फिट हो जाता है, तो आपका जो मोमेंट स्पीड, हेडशॉट रेट और ग्लू वॉल फास्ट तीनों एकदम ओपी लेवल का हो जाएंगे। और भाई आपको कोई भी मतलब कस्टम में खेलने के लिए बुलाएगा, कोई भी बोलेगा कि हाँ भाई आप प्रो हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग के अंदर। देन सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एक 3 नंबर पे कंट्रोल्स दिखेगा, एंड कंट्रोल्स के नीचे यहाँ पे आपको कस्टम हब दिखेगा, ठीक है। कस्टम हब इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 5 सेटिंग ठीक करने पड़ेगी इसके अंदर। तो फर्स्ट सेटिंग है वो है ग्लू वॉल, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि बहुत सारे लोगों का ग्लू वॉल जो है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, तो आपको ये करना है कि ग्लू वॉल जो है वो यहाँ पे रखना है, जो रन है जिसे आप दौड़ते हो उसके थोड़े से नीचे, ठीक है। एंड गाइस, उसके बाद जो आपका लेफ्ट फायर बटन है, ठीक है, लेफ्ट फायर बटन, उसको यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे जस्ट उसके सामने। एंड और एक चीज़ करनी है, ठीक है, वो ये कि जो आप बैठते हो, आपका बैठने वाला बटन है वो आपका रहता है यहाँ पे, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे लाना है। और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा आपका क्रोनो वाला या फिर लोग देने वाला एबिलिटी, ठीक है। पांचवी चीज़ जो है वो है ये है कि जो स्कोप वाला आपका बटन है वो आपके माइक के जस्ट सामने रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे रहना चाहिए स्कोप वाला बटन, ठीक है। तो आपको ये 5 चीज़ कर लेनी है। देखो भाई लोग, आप उसके बाद हो जाओगे 3 फिंगर प्लेयर, यानी आप 3 फिंगर से खेलोगे, ठीक है। आपको अपने हाथ सेट कर लेना है कहाँ पे क्या रहेगा, बट वैसे ही रखना है जैसे मैंने बताया है। और यहाँ पे जो ग्लू वॉल जो है वो 2 तरीके से लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं रन करते हुए ग्लू वॉल लगा रहा हूँ, ये जो है वो अलग तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं ये सारे ग्लू वॉल लगा रहा हूँ जो इस फायर बटन, तो आपको रन करते हुए आपको इसी फायर बटन से ग्लू वॉल लगा, क्योंकि आप इधर वाले स्किन से अपने स्किन को इधर उधर मूव करते हो, ठीक है। इसलिए आपको जंप करते समय या फिर रन करते समय आपको इससे जो है वो ग्लू वॉल लगाना है। एंड दूसरा जो पोजीशन है वो ये है कि आपको जब कोई बंदा मारे तो उसके बाद जब सेटअप ग्लू वॉल लगाओगे तो आपको इधर वाले फायर बटन से ग्लू वॉल लगाना है। तो मैंने पहले ही बताया था 2 सिचुएशन में ग्लू वॉल लगता है, एक रन करते हुए तो उधर वाले फायर बटन से, और बैट जब बंदा आए उसको मारने के समय इस वाले फायर बटन से, ठीक है। तो ग्लू वॉल तो लगाना सीख गए। एंड उसके बाद आप बताते हैं हेडशॉट मारना। तो देखो भाई, हेडशॉट मारने के लिए आपका जो फायर बटन उसको रोटेट इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से घुमा कर ले जाना है, उसके बाद आप आसानी से वन टैप मार सकते हो।